दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने ईमेल आईडी बनाते वक्त अपने 8 डिजिट के पासवर्ड को उसमें सेट करते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम अपने ईमेल आईडी को रन भी नहीं कर सकते। दोस्तों इस वीडियो में आपको इसी सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि अगर हम लोग पासवर्ड भूल जाए तो कैसे हम दूसरे पासवर्ड को सेट कर सकते हैं और फिर से हम अपने ईमेल आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं शाहनवाज, आप देख रहे हैं मैनिक टेक, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को अपने फ़ोन में ईमेल वाले आइकन पर क्लिक करना है और उसको ओपन करने के बाद दोस्तों हम लोग को 3 बार जो साइड में दिख रहा है कोने में, उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को नीचे स्क्रॉल करने पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेटिंग पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे रिसेंटली लॉगिन वाला जितना भी आईडी हम लोग को दिख जाएगा, तो हम लोग MD अरमान आलम वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस अकाउंट को खोलने के बाद आपको होम के बगल में पर्सनल इन्फो लिखा मिल जाएगा, जिसके नीचे हम लोग आएंगे तो हम लोग को दिख जाएगा पासवर्ड। तो दोस्तों पासवर्ड यहाँ पर हिडन है, छुपा हुआ है, तो उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उस पर दोस्तों उसके बाद आपको पास नेक्स्ट पेज एक खुल कर आएगा जिस पर आपको पासवर्ड डालना होगा। चूँकि हम पासवर्ड तो भूल चुके हैं तो फिर भी मैं कुछ भी आपको डाल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं अपने मन से कुछ भी 80 80 80 4 टाइम 5 टाइम जो भी डालता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ दोस्तों तो ये ओपन नहीं हो पाता है क्योंकि ये पासवर्ड रॉन्ग है। तो दोस्तों हम तो पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसके बाद हम लोग नीचे फॉरगेट पासवर्ड वाले पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मतलब लास्ट डिजिट पूछा जा रहा है, तो दोस्तों हमको तो पासवर्ड भूल ही चुका जब मैं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं याद है, तो फिर यहाँ पर अनदर वे पर क्लिक कर देंगे नीचे। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। दोस्तों मैंने अपने पासवर्ड को कॉपी करके रखा है पहले से, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और फिर नीचे कन्फर्म वाले पासवर्ड पर भी जाके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। दोस्तों पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर सेव पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। जब हम लोग सेव पासवर्ड पर क्लिक कर दिए तो उसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट पेज हम लोग पास खुल के मिल जाता है। देखिए ये थोड़ा नेट स्लो रहने के कारण नहीं हुआ। अच्छा फिर से मैं क्लिक कर दिया, उसके बाद दोस्त देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग का पासवर्ड यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों उसको पेज खुलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट थोड़ा स्लो रहने के कारण थोड़ा लेट हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैं हो गया, अब मैं यहाँ पे अपने ईमेल को यहाँ पर डाल दूंगा। देखिए रिसेंटली लॉगिन वाला था तो MD अरमान वाले को मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो दोस्तों वो आ गया। फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं, नेक्स्ट करने के बाद ये पासवर्ड मांग रहा। दोस्तों मैं वहाँ पर जो पासवर्ड सेट किया था, पेस्ट किया था, वही मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। चूँकि मैं दिखा नहीं सकता ये सबको, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक पेज खुलेगा। दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कुछ भी कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। देखिए दोस्तों ये थोड़ा नेट स्लो रहने के कारण थोड़ा है, देख सकते हैं, प्रोटेक्ट योर अकाउंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग पासवर्ड को सेट कर सकते हैं।